विश्व कप में अपने देश का प्रतिनिधित्व करना किसी भी खिलाड़ी के लिए ये एक बहुत बड़ा सपना होता है। भालाजी डामोर भी विश्व कप में भारत की ओर खेलने के बाद आज बहुत ही बदहाली का जीवन जीने के लिए मजबूर हैं। वे केवल न केवल भैंसे चढ़ाकर अपना जीवन यापन कर रहे हैं, बल्कि ये और इनका पूरा परिवार एक छोटी सी जमीन के टुकड़े पर खेती करके महीने के सिर्फ 3,000 रुपये कमाते हैं और एक कमरे में रहकर अपनी जिंदगी यापन करने के लिए मजबूर हैं। ये भालाजी डामोर ने 1998 में विश्व कप में एक ऑलराउंडर के रूप में न सिर्फ देश का प्रतिनिधित्व किया था, बल्कि इस टूर्नामेंट के ये हीरो भी रहे थे। बेशक ये विश्व कप दृष्टिबाधित खिलाड़ियों का था, लेकिन इस खिलाड़ी की बदौलत भारत सेमीफाइनल तक जा पहुंचा था। गुजरात सरकार से जब इस बात के लिए जिक्र किया गया है तो उन्होंने इस खिलाड़ी के लिए प्रशंसा तो की है, लेकिन अभी भी देखिए ये किसान परिवार से संबंध रखने वाला, इसे उम्मीद थी कि विश्व कप के बाद इनकी जिंदगी कुछ बेहतर होगी, लेकिन 18 साल से ये प्रतिभावान खिलाड़ी सिर्फ भैंसे चढ़ा रहा है, खेती बाड़ी करने के लिए मजबूर है। इन्होंने अपने 38 वर्षीय इस क्रिकेटर ने अपने रिकॉर्ड बेहद ही शानदार बनाए थे। इन्होंने सिर्फ 125 मैचों में 3,125 रन बनाए और 150 विकेट लिए थे। पूरी तरह से दृष्टिबाधित होने के बाद भी इस क्रिकेटर ने भारत की तरफ से 8 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले थे और विश्व कप के बाद इन्हें उम्मीद थी कि कहीं नौकरी मिल जाएगी, लेकिन कहीं नौकरी नहीं मिली। स्पोर्ट्स कोटा और विकलांग कोटा भी इनके किसी काम नहीं आ सका। ये बहुत ही भारी मन से इस चीज़ के बारे में बताते हैं कि लेकिन देखिए कई साल बाद गुजरात सरकार ने इनकी प्रशंसा तो की है, लेकिन अभी तक इनके लिए नौकरी का इंतजाम नहीं हो पाया है। ये नेशनल एसोसिएशन ऑफ ब्लाइंड के वाइस प्रेसिडेंट भास्कर मेहता कहते हैं कि भारतीय अंध टीम को भालाजी जैसा प्रतिभावान खिलाड़ी फिर कभी नहीं मिला। विश्व कप के दौरान इनके साथी तो इन्हें सचिन तेंदुलकर कहकर बुलाते थे। जहां एक तरफ रेगुलर क्रिकेटर्स को जिंदगी में खूब सारी दौलत और शोहरत मिलती है, वहीं भालाजी जैसे क्रिकेटर अपनी तमाम प्रतिभा के बावजूद अपने कैरियर को समाप्त होने के बाद एक सम्मानजनक जिंदगी की व्यवस्था करने में असमर्थ हैं, बहुत ही जद्दोजहद करने के लिए मजबूर हैं।